ऐसा ऐसा ड्राइव करो ऐसे ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पहुंचे थे स्वैक लेक, जिसे खंडवा लेक भी कहा जाता है, खंडवा झील। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि यहाँ पे हम आए हैं तो बारिश का मौसम बन गया है। जगह तो ये भी बहुत प्यारी है, जो इधर देखें हवा चल रही है। वो हमें बता रहे हैं कि बारिश के अंदर जो है ना, अगर रास्ते बहुत ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ तक तो गाड़ी आ जाती है, बट इसके आगे जो है ना, वो ये जीप पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये जाती है। क्योंकि हम कलर खार से नीचे उतरे थे कि चले स्वैक लेके जाते हैं, लेकिन अब इधर तो हम आ गए हैं कि 5-6 किलोमीटर करके, लेकिन आगे 3 किलोमीटर का सफ़र है, तो इनके ऊपर कपड़े भी नहीं है, कोई छत नहीं है, एक ऊपर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भीगने की कोई गारंटी नहीं है, हम आपको ले जाते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाना भी लाजमी है, कि आपको वहाँ पे हम जाएं, आपको प्रॉपर वहाँ पे दिखाएं कि जो है मतलब किस तरह की वो झील है। ये जनाब मुबशर भाई हैं। मुबशर भाई, क्या इरादा है फिर आके जाना है, वापस जाना है, क्या करना है बताएं मुझे, हैं? आपको आपकी ओपिनियन ये है कि वापस जाने की? स्लिपरी एरिया है जी। अब हम रेडी हो गए हैं, स्वैक लेक जा रहे हैं, जिसे खंडवा झील भी कहा जाता है। झील है ये, जरा ये जीप है जी। हाँ सॉरी, जीप है, जीप दिखाएं जी। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने का, ये रास्ता है जी, माशाल्लाह बहुत डेंजरस है। ये आगे आप मंजर देख रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। इलियास भी इत्थे आ जाओ, इत्थे खड़े हो जाओ, मजा आना, इत्थे खड़े हो जाओ। लिहाज भी आ जाओ, मजा दे। ये तो है जो नॉर्थ एरिया जो है ना, जहाँ पे हम जाते हैं उधर
अभी तो काम शुरू हुआ मेरे ख्याल में, अभी तो हम नीचे हैं, अभी तो ऊपर जाना है। अजीब ही रास्ता है यार। बाइक वाला
जा सकते हो। बाइक पे आने का वैसे अपने मजा है। ये बेसिकली जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वो बेसिकली है स्विमिंग पॉइंट। तो लोग जो सराउंडिंग के लोग जो नहाने आते होंगे बस।